पिछले कुछ महीनों से मैं एक सफर पर निकला हूँ। ये सफर अभी तक बहुत खूबसूरत रहा है, हालांकि मैं मानता हूँ कि इस सफर पर मैंने बहुत सी कम वीडियो बनाई और आपको दिखाई है। पर मेरी कोशिश यही रही कि नॉर्थ ईस्ट के इस सफर पर मैं अपने कैमरे से कुछ खूबसूरत पल को कैप्चर कर सकूं। आज के सफर पर मैं एक नई जगह के लिए निकला। गुवाहाटी से लगभग 85 किलोमीटर दूर इस जगह का नाम है शिलोंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने एंड दिखाने वाला हूं कि आप कैसे ये सफर प्लान कर सकते हैं और कम से कम बजट में इसे और अच्छा बना सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और खुश होंगे अपने जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are absolutely fine. मैं हूँ इस समय गुवाहाटी अपने हॉस्टल में। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ शिलोंग के लिए एंड आज इस जर्नी में कंप्लीट जर्नी करने वाला हूँ गुवाहाटी टू शिलोंग और दिखाने वाला हूँ आपको कैसे आप बजट ट्रैवल कर सकते हैं और कैसे प्लान कर सकते हैं शिलोंग की ट्रिप इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हैं। और अगर आप आ रहे हैं इंडिया के किसी भी कोने से या आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं तो भी इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिए एंड चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। ये स्कूटी मैंने रेंट पे ली एंड टॉप 125। तो अभी मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी शिलोंग हाईवे पर और जस्ट मेरे पीछे है खाना पारा। ये है खाना पारा टैक्सी स्टैंड। अगर आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या कामाख्या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको आना होगा खाना पारा इस टैक्सी स्टैंड एंड देन यहां से आप बस या फिर टैक्सी लेकर आप जा सकते हैं शिलोंग। मैं निकल रहा हूं शिलोंग, बाकी बातें करते हैं बाद में। तो गाइज जस्ट अभी मैंने आसाम बॉर्डर क्रॉस किया है और अब मैं एंटर कर चुका हूँ मेघालय में। और मैं आपको बता दूँ जितने लोग भी इंडिया के किसी भी कोने से मेघालय की जर्नी करने आ रहे हैं और गुवाहाटी रुक रहे हैं और गुवाहाटी से ये जर्नी कर रहे हैं शिलोंग के लिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जर्नी अपने में ही बहुत खूबसूरत है। जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया आप ये देख सकते हैं व्यू और हिल्स स्टार्ट हो गए हैं। ये है गुवाहाटी शिलोंग हाईवे। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शिलोंग कितने दिन रुकना चाहिए और कितने दिन का ये ट्रिप प्लान करना चाहिए और ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है ना, ये जो रोड है गुवाहाटी टू शिलोंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट भी होता है कि रोड अच्छे होते हैं या नहीं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये रोड इस तरह से है, आप देख सकते हैं। और आगे चल कर मैं आपको दिखाता रहूँगा पूरी जर्नी में, आप देख रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कभी भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, अभी तक आप कभी नहीं आए हैं नॉर्थ ईस्ट और आप जर्नी करने का सोच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी होती है और सनसेट भी जल्दी होता है। सनराइज़ यहाँ पर अराउंड 4-4:30 बजे हो जाता है, विंटर की मैं बात कर रहा हूँ, और सनसेट जो होता है वो भी 4-4:30 तक हो जाता है विंटर में। और अभी विंटर स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही मैं गुवाहाटी में था मुझे हल्की उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, बट जैसे ही मैं एंटर किया हूँ बॉर्डर में हल्की सी ठंड लगने लगी है, हवा चल रही है। आप जितने भी लोग यहाँ देख रहे होंगे ना, सब ने जैकेट पहन रखा है, तो मैंने तो जैकेट रखा है। आप भी अगर जर्नी कर रहे हैं विंटर में नवंबर से मार्च के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप विंटर के क्लोथ्स लेकर आइए। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं जस्ट रुका था ये व्यू दिखाने के लिए, सो लेट्स गो। जस्ट अभी मैंने क्रॉस किया है टोल और ये पहला और आखिरी टोल पड़ता है इस बॉर्डर के बीच में। हे गाइस, पिछले 1.5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी क्या है ना, मेरे को ठंड लगने लगी है, तो मैं स्विच करता हूँ, जैकेट पहनता हूँ एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जर्नी एंड थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर लेता हूँ। और अभी मैं रुका हुआ हूँ एक पेट्रोल टैंक के पास
ये एरिया है मेघालय। पर एक चीज़ जो मुझे खूबसूरत लगती है भारत की, कि आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, ये मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कई बार ये बातें की हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत है अपना देश, पर जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ लोग लैंग्वेज डिफरेंट है और आसाम की लैंग्वेज डिफरेंट है, फूड कल्चर डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर मोस्टली लोग हिंदी जानते हैं, बोलते भी हैं, इंग्लिश भी अच्छे से बात कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में नहीं इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं अगर जिसको हिंदी नहीं आती है। बट मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और या आगे बात करते रहेंगे और चलते हैं शिलोंग। शिलोंग यहाँ से अब 1 घंटे का और रास्ता है, सो लेट्स गो। के पास और ये आप देख रहे हैं, ये है ऑर्किड लेक रिजॉर्ट एंड वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। आप इसी रास्ते से जाएंगे उमियम लेक के लिए, और जो टिकट कॉस्ट पड़ता है वो अराउंड 300 पड़ता है इंक्लूडिंग पार्किंग टिकट। इसमें आप बोट राइड कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो गुवाहाटी से आने के बाद पहला जो स्टॉप पड़ता है वो पड़ता है उमियम लेक का। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग गया। ये आप देख सकते हैं उमियम लेक सामने मेरे, और ये ब्रिज है, ये काफ़ी हाइट पर है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये जो व्यू है ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप किया हूँ और आपको दिखाने के लिए यहाँ रुका हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में लोग वहाँ पर अपना फिशिंग कर रहे हैं, और जो भी यहाँ लोकल हैं वो कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। सो लेट्स गो। सो राइट नाउ आई मीन शिलोंग, और अभी कुछ 15 मिनट हुए हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड अभी मैं एक प्रॉपर्टी पर हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ। ये प्रॉपर्टी है दमंत्रे होमस्टे। अगर आप प्लान कर रहे हैं शिलोंग में लग्जरी प्रॉपर्टी में स्टे करने के लिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आई शो यू। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। सामने है किचन, ये है डाइनिंग एरिया, ये है सामने रूम, प्राइवेट रूम, एंड दिस इज स्मॉल गार्डन। इस समय मैं हूँ शिलोंग गोल्फ कोर्स के जस्ट सामने। इस पूरे वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि मैं आपको बता सकूँ कि बजट में ये कैसे प्लान कर सकते हैं आप शिलोंग की ट्रिप, और क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पहले कवर कर चुका हूँ। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं शिलोंग गोल्फ कोर्स,
सो मोस्टली लोग यहाँ पर सनराइज सनसेट के लिए आते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी आइटनरी में डाल सकते हैं, आप ये भी विजिट कर सकते हैं। शिलोंग पहुँचते ही सबसे पहले आपको पड़े आप उमियम लेक विजिट कर सकते हैं, बोटानिकल गार्डन विजिट कर सकते हैं, म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, शिलोंग गोल्फ कोर्स विजिट कर सकते हैं एंड शिलोंग पीक कवर कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको टिकट काउंटर पर, दिखाता हूँ टिकट का प्राइस क्या है। ये है टिकट, टूरिस्ट के लिए 50, लोकल रेसिडेंट के लिए 30, चिल्ड्रन फ्री, पार्किंग फ्री 30, मेन क्लब साइड 100, फोटोशूट 500 एंड वीडियो शूट 1000। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं, अपने शिलोंग ट्रिप को और खूबसूरत बना सकते हैं। सो इट्स 4 PM राइट नाउ, आई एम इन शिलोंग, एक कैफ़े में हूँ मैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जर्नी और इस बजट, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं शिलोंग, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आप गुवाहाटी बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस आ सकते हैं एंड वहाँ से आप आ सकते हैं बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। खाना पारा बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी बस, टैक्सी, और अगर आप चाहें तो मेरी तरह रेंट कर सकते हैं स्कूटी, जो कॉस्ट पड़ेगा 500 पर डे का पड़ेगा। एंड स्टे का मैं बता दूँ शिलोंग में 700 में आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। फूड पर आप कैसे खर्च कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर स्कूटी के 3 दिन का अगर मैं बताऊँ प्लान फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, 3 दिन का स्कूटी का हो जाता है 1500, 1000 rupees आप पेट्रोल का ले सकते हैं एंड 1000 rupees आप जो एक्टिविटीज़ है शिलोंग में करेंगे उसके लिए ले सकते हैं एंड 700 पर डे आप हॉस्टल के लिए रख सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो 2000 से स्टार्टिंग होती है शिलोंग में अच्छे एक बजट रूम की, तो 2000 आप रूम का रख सकते हैं। तो अराउंड अगर मैं बताऊँ सिर्फ शिलोंग के लिए तो 8000 में आप अच्छे से ये ट्रिप कर सकते हैं। ये 3 दिन का ट्रिप होगा और 3 दिन में आप कम्प्लीटली शिलोंग अच्छे से घूम सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रिप है आई नो, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं एक वेकेशन, और अगर आप गुवाहाटी से ये वीडियो देख रहे हैं और असम में किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप जर्नी कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है शिलोंग। ये एक कैफ़े है एंड इस कैफ़े के जस्ट सामने यहाँ पर कुछ तो फेस्ट चल रहा है, आई डोंट नो, मे बी मैं अब जाकर आपको दिखा सकता हूँ, बट इट्स वेरी लेट, तो लेट्स सी। और जर्नी मैंने आपको दिखाया, इससे पहले भी मैंने मेघालय की वीडियो डाली है चेरापूंजी, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अभी तक की मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी, रोड आपको पता चल गया होगा, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि रोड अच्छे हैं शिलोंग के लिए नहीं है, स्कूटी चलाना सही होगा अकेले या नहीं, तो मैं बता दूँ अगर आप बिगिनर भी हैं फिर भी आपके लिए ये अच्छी जर्नी हो सकती है। मे बी इसको मैं कवर करूँगा बाद में, ये बहुत अच्छा कैफ़े है। बट आज के इस वीडियो में इतना ही, तो अगर जितने लोग भी नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम है तो क्यों ना मैं इस फेस्ट को कवर कर ही लूँ, मौराव सेकेंडरी स्कूल का ये फेस्ट है, तो लेट्स गो। मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं बस चला आया हूँ यहाँ पर, इट्स नाइस, छोटे बच्चों के लिए है ये।